ब्यूटी पेजेंट में इवनिंग गाउन का बहुत महत्व होता है। ऐसे ही इवनिंग गाउन पहनने की प्रैक्टिस ले रही हैं ग्लैमॉन मिस एंड मिसेज इंडिया 2024 की प्रतियोगी। ये नज़ारे हैं ग्लैमॉन 2024 के जोहरा है मलेशिया के कलांग शहर में। यहाँ पर आई हुई हैं दिल्ली की मशहूर डिजाइनर साइशा राजपूत, जो इन सभी प्रतियोगियों को इवनिंग गाउन पहनने के तरीके बता रही है। वैसे साइशा इन सभी फाइनल्स के साथ अपना इवनिंग गाउन का कलेक्शन लॉन्च कर रही है ग्लैमॉन के फिनाले में, और इसीलिए दे रही है उनको सही तरीका इवनिंग गाउन पहनने का। तो साइशा पहुंचे इन कंटेस्टेंट्स के साथ खास सेशन करने, और जहां उन्होंने बताया कि इवनिंग गाउन के महत्व और उसे पहनने का तरीका। सो एज यू ऑल नो हु आई एम, साइशा राजपूत दिस साइड, योर ऑफिशियल डिजाइनर ऑफ मिस एंड मिसेस ग्लैमॉन 2024 इंडिया, राइट? यस। तो हम छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं आपके फिनाले राउंड के बारे में, फिनाले कॉस्ट्यूम के बारे में। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी आपने पहना है अभी भी ग्रैंड फिनाले में, नेशनल कॉस्ट्यूम में, देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी बिहाइंड योर आउटफिट। आज मैंने ब्लैक पहना, इसके पीछे एक स्टोरी है। आप लोगों ने जो पहना, इसके पीछे एक स्टोरी है। कुछ भी पहनते हैं, उसके पीछे एक स्टोरी होती है। तो अब छोटा सा एक डिस्कस करूंगी आपके साथ, ठीक है? रेडी? यस। एक चीज और, ये सिर्फ ऐसा नहीं पहनती हूँ, ऐसे खड़ी हेलो मैम, हेलो सर, बिकॉज दैट नाइट वी कॉल यू, ऑल आईज ऑन यू, गॉट इट? यस। बिकॉज वो नाइट आपकी बड़ी स्पेशल नाइट होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सबको बहुत ग्लैमरस दिखना है। मुझे ये नहीं, पूरा एनर्जी के साथ, पावर के साथ, अब मैं आके खड़ी हूँ, हाँ मैं साइशा राजपूत हूँ, ठीक है, और मुझे तुम लोगों का डिजाइन नहीं, आपका जो गार्मेंट होता है ना, जो आपकी पर्सनालिटी, देखो आपको हर किसी को क्लासेस अलग अलग मिल रही है। मोनिक जी आपको अलग क्लास दे रहे हैं, मोनिका मैम आपको अलग क्लास दे रही है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको आउटफिट के बारे में डिस्क्राइब कर सकती हूँ, लेकिन ये नहीं कि हाँ मैंने पहना है, अच्छा लग रहा हूँ, फिटिंग अच्छी आ रही है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वर्ड्स कम यूज़ करोगे, आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा बोलती है, ठीक है? पेजेंट शो के अंदर हम दो शो करते हैं, एक सब बोलना रंगे, एक होता है हमारा पेजेंट शो। पेजेंट शो में क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा दिखनी चाहिए, आप कौन हो, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, बैठे हो, दूसरों के साथ बिहेवियर कैसा है आपका, राइट? तो ये एक जो आपका कॉस्ट्यूम है वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी का मिक्सचर है। गॉट इट? यस। जब आप ये इवनिंग गाउन्स पहनोगे, यू हैव टू बी लाइक कि अब तो फाइनल हो गया है, क्योंकि फिनाले राउंड जब आता है ना, तब आपका सारा सब कुछ डेटा आ जाता है जजेस के पास। सबको पता है ये बात? यस। ठीक है, तो गाउन मैटर करता है, आउटफिट बहुत मैटर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करती है आपकी एनर्जी, आपकी पावर, आप किस तरीके से सामने वाले को डिलीवर कर रहे हो, कुछ भी, ठीक है? आज यहाँ पर मैं आके खड़े रहा हूँ, हाँ जी सर, ऐसे है, ऐसे ऐसे आउटफिट मैंने कितना अच्छा पहना, लेकिन मेरा ऑरा उस टाइप का डिलीवर नहीं कर पा रही, मैं आपको एनर्जी उस टाइप की नहीं दे पा रही, तो फिर मेरा क्या बेनिफिट? चाहे मैं आज कुछ भी हाई क्लास ब्रांड पहन कर आ रही हूँ, इज दैट क्लियर? यस।
इवनिंग गाउन होता है ना, इवनिंग गाउन से बेसिकली कभी जूलरी जाती ही नहीं है। डिपेंड करता है आपका आउटफिट किस टाइप का, जिस टाइप का मैंने डिजाइन करा उसमें नॉट रिक्वायर्ड। बट हाँ, किसी किसी में जैसे बैकलेस है, ब्रॉड नेक है, ठीक है, हाथ में आप ब्रेसलेट कैरी कर सकते हो और बहुत लिमिटेड मिनिमलिस्ट चीजें ही यूज होती है इवनिंग गाउन। ये नहीं कि हमने बहुत ज्यादा हैवी डाल लिया और हाथ में चूड़ियां पहन ली है, हमारे पास स्टाइलिस्ट है वो आपको अच्छे से स्टाइलिंग कर पाएंगे उस चीज की। तो जितना हो सकता है चीजों को कम करो लेकिन अच्छा दिखाओ। अभी यहाँ पे मैं कुछ पहन रखा है मैंने नॉर्मल सा, यहाँ पे मैं एक और दो कड़ी पहन लूँ, चेन ब्रेसलेट पहन कर आ जाऊँ, नाइस ना, हमें उस चीज को कैरी करना है, ठीक है। और दूसरी चीज, आप जिस प्रोफेशन के हो आपका आउटफिट उसके अकॉर्डिंग दिखना चाहिए। अगर आज के मैं डिजाइनर हूँ, मैं सूट पहन कर आता हूँ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मुझे तो कंफर्टेबल लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, इट डजंट लुक नाइस ना, है ना। तो जो आपका प्रोफेशन होता है उसके अकॉर्डिंग भी मैटर करता है कि आप क्या पहन कर आ रहे हो। इफ आई एम अ डॉक्टर तो मुझे उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सिंपल सा देखना पड़ेगा। आई एम टू अ फैशन तो मैं पहन सकती हूँ, बट कुछ ऐसा नहीं पहन सकती कि बहुत ज्यादा हॉरिबल लगे, ठीक है। तो ये आपके फ्यूचर के लिए भी बेनिफिट देगा कि आउटफिट आपके प्रोफेशन के ऊपर मैटर करेगा। मोस्टली आज सब ब्लैक पहनेंगे, यहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये ब्लैक मैंने इसलिए चूज नहीं करा क्योंकि अगेन ब्लैक इज वेरी क्लोज टू मी, बट मुझे लगा मलेशिया के अंदर थोड़ा अलग कलर चूज करते हैं, ग्रीन इज लाइक वेरी पीस, और जो ग्रीन कलर मैंने चूज करा है वो बहुत थोड़ा लग्जरी को डिस्क्राइब करता है मेरे लिए। और इसके पीछे मैंने आपको बताया इवनिंग गाउन बनते ही इसी टाइप के, किसी में ज्यादा टेल आएगी, पर टेल मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि फिनाले राउंड होता है, थोड़ा प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर नीचे ना हो जाए, इजिली यू कैन मूव, ठीक है। इसके अलावा देखो बच्चा क्या होता है कि आपके लिए शायद मैं एक, ठीक है, पर मेरे लिए आप सब हो और मैं हैबिचुअल हो चुकी। जब मेरा स्टार्टिंग का पॉइंट था, स्टार्टिंग की जर्नी थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि इतना प्रेशर कैसे लूंगी, कैसे मैं बच्चे एक एक बच्चे का इतना है कैसे करूंगी, ऊपर नीचे ना हो जाए, वो भी जाता है, तो आई हैव टू फिक्स इट अप। तो इट्स अबाउट एक्सपीरियंस। जब आप आगे फ्यूचर में जाओगे ना, जब आप शोज और करोगे और काम करोगे, तब आपकी जर्नी बहुत अलग रहेगी। अभी आप यहाँ बेबी स्टेप्स पे हो, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चीजें सीख रहे हो, जितना आज मैंने आपको नोटिस करा, क्योंकि आपने कभी देखा होगा अभी तक के सेशन में मैं थी नहीं, आज मैं दिखी हूँ क्योंकि मैं आज आपके ऑब्जर्वेशन पे चल रही हूँ, कौन किस क्या कर रहा है, कितने किसके क्या स्टेप्स चल रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी जर्नी आगे ही जाती है, लेकिन जब तक आप उसको आगे नहीं लेके जाते तब तक कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे मॉडल्स को अवेयर करा है उस चीज़ के बारे में, वो बहुत ज़रूरी भी था ग्रैंड फिनाले के लिए उन सबको ये चीज़ जानना, क्योंकि आउटफिट्स ऐसे ही कैरी नहीं किए जा सकते ग्रैंड फिनाले के लिए। दे नो अबाउट कि आप किस टाइप से डिस्प्ले करने जा रहे हो इंडिया को भी, क्योंकि हम मलेशिया के अंदर हैं, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। दूसरी चीज़, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा अभी तक का ग्लैमॉन के साथ, कंटेस्टेंट के साथ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि मैंने बहुत सारे शोज़ कराए बट अभी तक का पेजेंट शो मेरा ये सबसे बेस्ट जा रहा है। तो आई विश कि जो भी हमने प्लान करा है वो उसके अकॉर्डिंग जाए, और हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं आप सब देख ही रहे होंगे, दे ऑल आर वेरी हैप्पी और वेरी एनर्जी के साथ बैठे हैं सब के सब। भाई साइशा के सेशन को सारे कंटेस्टेंट बहुत एंजॉय कर रहे हैं, भाई आखिरकार उन्हें इवनिंग गाउन्स जो पहने, तो इस मज़ेदार सेशन के बाद ग्लैमॉन 2024 की प्रतियोगियों को मिली एक नई एनर्जी स्टेज पर गाउन पहनकर चमकने के लिए। कलांग से ब्यूरो रिपोर्ट।